गुड इवनिंग बच्चों, मैं राजीव अवस्थी। हमारे यूट्यूब चैनल अचीव एजुकेशन विद राजीव अवस्थी सर में आपका बहुत स्वागत है। हमारे इस एकेडमिक वीडियो में आज हम आपको क्लास 8 यूपी बोर्ड की क्लास 8 लेसन नंबर 6 पाठ का नाम है औसम आसाम। औसम मीन्स होता है शानदार। आसाम हमारे देश के प्रदेश का नाम है जो उत्तर भारत की पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। उत्तर नहीं, पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। एक छोटा सा राज्य है, इस राज्य के बारे में बताया गया है। दिस इज लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 औसम आसाम क्लास 8 यूपी बोर्ड बेसिक एजुकेशन। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है बच्चों, आपने एक पोएम सुनी होगी, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। इस कविता की ये दोनों लाइनें जो है ना, किसके बारे में कही गई है पता होना चाहिए, कर्मवीर के बारे में। और कर्मवीर कौन होता है? वो जो कार्य करते रहता है। यानी कि अब आपको क्या करना है? कार्य करना है। और कार्य क्यों करना है? वीर पारंगत होने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। किसी ने कहा है कि आप दौड़ न सको तो आप चलिए, आप चल न सको तो घुटनों के बल सरकिए, और घुटनों के बल न सरक सको तो धीमे धीमे खिसकिए, लेकिन रुकना मौत से बदतर होता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पाठ है लेसन नंबर 6 क्लास 8, पाठ का नाम औसम आसाम। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारा लेसन नंबर 6 क्या है? औसम आसाम। यहाँ पर एक झोपड़ी का दृश्य दिखाया गया है। केले और ताड़ के वृक्ष हैं, यहाँ पर ये ताड़ का वृक्ष दिखाया गया है। चलिए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं और पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ भी रिविजन कीजिएगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर, पहली लाइन में क्या लिखा है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आसाम इज ए स्टेट लोकेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। आसाम एक प्रदेश है जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी प्रदेश भाग में स्थित है। इट इज जस्ट सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुट हिल्स। यह पूर्वी हिमालय की निचली पहाड़ियों के नीचे स्थित है। इट इज सराउंडेड बाई द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है, पूर्व उत्तर पूर्व का राज्य। अच्छा, इसके नज़दीक के कौन कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। ये इन 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्यों से, ये 7 सिस्टर वाले राज्य हैं। विच टूगेदर विद आसाम आर नोन एज द 7 सिस्टर। देखिए, ये पूर्वोत्तर के ये 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। जो आसाम की राजधानी है उसका नाम है दिसपुर। ऐसे याद रखेंगे, असम, दिसपुर। असम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम एक ऐसी भूमि है जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता भरी पड़ी है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। देखिए, फ्लोरा फौना एक वनस्पति है। यहाँ पर क्या है? नीली पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ बर्फ से ढकी हुई हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं, और उसमें कौन सी विभिन्न प्रकार की फ्लोरा और फौना वनस्पति पाई जाती है? बिग रिवर्स, बड़ी नदियाँ,
फर्टाइल वैलीज, उपजाऊ घाटियाँ। आसाम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। आसाम विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू द आसाम। एक महान ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में बहती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अगला है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर राइस, चावल, फ्रूट, जूट, सुगर कैन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट। कौन कौन से? राइस, चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय यहाँ के प्रमुख कृषि, इस राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। यह राज्य है पूरे देश के उत्पादन का आधा चाय का उत्पादन करता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोयल एंड लाइमस्टोन। इस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन भी जैसे कि तेल, गैस, कोयला और लाइमस्टोन भी पाया जाता है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बेम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम। काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट हो गया। ट्रेडिशनल क्राफ्ट यहाँ की सांस्कृतिक जो कला है लाइक पॉटरी बर्तन बनाने की एंड टेराकोटा वर्क, और टेराकोटा एक कपड़े पर एक जरीदोजी का कार्य होता है भैया, कढ़ाई का। ब्रास क्राफ्ट ब्रास की कला, ज्वेलरी मेकिंग आभूषण बनाने की कला, बेम्बू क्राफ्ट और बांस के सामान, सिल्क एंड कॉटन वीविंग रेशम और सूती बुने हुए कपड़े, वुड क्राफ्ट लकड़ी की आर्ट और बहुत से और सब मेजर सोर्स ऑफ यहाँ पर लोगों के स्वरोजगार के लिए प्रसिद्ध हैं। कई चीज़ें आपको बताएंगे जैसे ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी, टेराकोटा वर्क एट्सेट्रा। तो यहाँ पर लोगों के हथकरघा है यानी हस्तशिल्प बोले जाते हैं, हस्तशिल्प रोजगार हैं। अगला टॉपिक है आसाम इज आल्सो फेमस फॉर नेशनल पार्क। आसाम एक राष्ट्रीय पार्क के लिए भी फेमस है। कौन सा पार्क है? नेशनल पार्क इज, सबसे पहले तो नेशनल पार्क क्या होते हैं, राष्ट्रीय पार्क। नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क एक घास की जमीन या जंगल का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, द गवर्नमेंट लुक आफ्टर दीज पार्क, और सरकार इन क्षेत्रों की देखभाल करती है। जैसे कि यहाँ पर एक है द काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। रैनोसर्स, एलिफेंट, लियोपैर्ड एंड द इंडियन बिजन आर सम ऑफ द एनिमल यू कैन सी इन काजीरंगा। देखिए ये सामान्य ज्ञान का भी एक प्रश्न है कि आसाम में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, तो काजीरंगा जो है वो आसाम का नेशनल पार्क है। और यहाँ की जो, यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिनोसर्स गेंडा, एलिफेंट गेंडा इसके नाक पे सींग होता है, लियोपार्ड तेंदुआ एंड इंडियन बिसन, और इंडियन बिसन आर सम ऑफ द एनिमल, ये वो जानवर हैं जो आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। वैसे ही स्पेशली गेंडा के लिए प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, ए कार और ए मिनी बस इन टू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल। इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप खुली हुई जीप या खुली बस में जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक
यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट बैक एज वेल, और अगर आप चाहते हैं तो आप हाथी की पीठ पर भी बैठ सकते हैं। द पीपुल ऑफ आसाम स्पीक असामिया और आसामीज, आसाम के लोग असमिया असामी भाषा बोलते हैं। आसाम इज आल्सो ए लैंड और फेस्टिवल विहू, आसाम त्योहारों का भी राज्य है, त्योहारों की भूमि है। बिहू इज फेमस आसामीज फेस्टिवल, बिहू यहाँ का प्रमुख उत्सव है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन टेक पार्ट इन सेलिब्रेशन, सभी धर्मों के लोग इन उत्सवों में भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर होल मंथ, समारोह पूरे महीने भर चलता है। अगला है यंग मैन, यंग मैन एंड वुमेन वेयर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड स्पेशल मेक ए स्पेशल डांस, बिहू डांस। यंग मैन युवा पुरुष और महिलाएं गोल्ड कलर सुनहरी रंग की साड़ी और ड्रेस सिल्क ड्रेसमी ड्रेसेस पहनते हैं और विहू नृत्य करते हैं। बोट रेसेस आर फील्ड ड्यूरिंग विहू, विहू के अवसर पर नौका दौड़ भी होती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दी रेसेस एंड लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक, बहुत से लोग इस नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और लोग नदी के किनारे खड़े होकर उनको देखते हैं। तो ये एक आसाम जो हमारे पूर्वोत्तर के एक सुंदर राज्य का छोटा सा परिचय था, और इसके अधिक जानने के लिए आपको इसके बारे में और पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं न्यू वर्ड्स पर। क्या है हमारे न्यू वर्ड्स? इससे पहला वर्ड है औसम, औसम का मतलब होता है शानदार। अगला है फुट हिल्स, मतलब पहाड़ी, निचली पहाड़ियाँ है, नीचे की छोटी छोटी पहाड़ी होती हैं। फौना, क्षेत्र विशेष के जीव जंतु और पेड़ पौधे, फौना एंड फ्लोरा, ये जीव जंतु और पेड़ पौधे जो कहाँ पाए जाते हैं? आसाम के घने जंगलों में। अगला है डेंस मीन्स घना जंगल, और रिसोर्स मीन्स साधन, और क्या है यहाँ पर सेंचुरी यहाँ पर इसको बोला जाता है जहाँ पर पशु पक्षियों के सुरक्षित रहने के लिए जगह छोड़ दी जाती है। और बीसम, तो वाइल्ड बीसम यानी जंगली भैंसा, ये हो गए हमारे कठिन वर्ड। अगला आपका उत्तर होगा वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया, प्रश्न है आपका, प्रश्न का आंसर क्या बताना है आपको? आसाम कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ एंड ईस्ट, एंड ई नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नेम द स्टेट विच आर नोन एज सेवन सिस्टर, उन स्टेट्स का नाम बताइए जिनको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। पहला हमारा है अरुणाचल प्रदेश, एपी, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा त्रिपुरा, एक दो तीन मिजोरम, चार मेघालय, और मणिपुर, एक दो तीन चार पाँच, और छठा हो गया आपका मणिपुर, और सातवां आपका है आसाम। इन सातों राज्यों को हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है विच इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम, तो व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन पीपल ऑफ आसाम, तो यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन वो है, क्या है हमारा मेन ऑक्यूपेशन है? एग्रीकल्चर। तो यहाँ आसाम में जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा चाय। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द विच इज़ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम, काजीरंगा इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, काजीरंगा आसाम की
सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, सेंचुरी है। अगला है नेम द फेमस आसाम फेस्टिवल। आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, तो वो है आपका बिहू, BIHU। तो ये रही हमारी आसाम की जानकारी और पार्ट से आने वाले प्रश्न उत्तर जो कि आपसे पूछे गए हैं। चलिए अब हम कुछ और प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। आइए प्रश्न उत्तर, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए। पहला वाक्य है आसाम इज लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया नॉन एज सेवन सिस्टर, ये भी आपका ट्रू होगा क्योंकि हमने आपको बताया था सेवन सिस्टर कौन सा, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड, ये सारे सात देश के सेवन स्टेट्स। नेक्स्ट है यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी विल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम, बिकॉज ऑफ आपको बताया गया था कि ओपन जीप और ओपन बस में बैठ के आप जा सकते हैं और हाथी की पीठ पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन ट्रेन का वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। बिहू इज ए फॉक डांस ऑफ आसाम, वेरी गुड, बिहू इज ए डांस ऑफ आसाम, ट्राई ट्रू। और लास्ट है कार रेसेस, देखिए यहाँ पर कार रेसेस नहीं है, ये आपका फॉल्स है। यहाँ पर क्या होता है, बोट रेसेस होती है, बोट रेसेस ऑन द ओकेजन ऑफ बिहू। नेक्स्ट वर्ल्ड पावर, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक में वर्ड्स यूज करने हैं, आपके पास फोर वर्ड्स हैं। फर्स्ट सेलिब्रेटेड डाइवर्स ऑक्यूपेशन एंड रिलीजन्स, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, तो ये आपका नंबर वन वाले स्टेटमेंट में आएगा। सेकंड है पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन, ये आपका सेकंड में रिलीजन आएगा। और जो थर्ड है ऑल द फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट enthusiasm, ये आपका तीसरा हो गया, सारे त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अगला है स्टूडेंट फ्रॉम ट्राइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास, तो ये आपका अंतिम और चौथा वाक्य बन गया है। चलिए लास्ट में कुछ और भी है, फ्रेम सुटेबल क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर, देखिए यहाँ पर कुछ आंसर दिए गए हैं, उनके लिए आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि वेयर यू लिव, आंसर लिखा था आई लिव इन प्रयागराज, तो आपने उसका क्वेश्चन बना दिया वेयर डू यू लिव। यहाँ पर याद रखना होता है कि हमको क्वेश्चन वर्ड यानी इनको WH वर्ड भी कहा जाता है, और जब WH वर्ड पाए जाते हैं तो स्टेटमेंट में यानी सेंटेंस में सबसे प्रथम WH वर्ड का ही उपयोग होता है। तो यहाँ पर आप जैसे आपका सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, दे लिव इन लखनऊ, तो वेयर दे लिव, वेयर टू ग्रांड पेरेंट्स लिव, पहले नंबर पे वेयर आएगा, नेक्स्ट आएगा डू, फिर ग्रांड पेरेंट्स लिव। नेक्स्ट है वाट नेम ब्रदर, हिज नेम इज जॉर्ज, वाट इज हिज ब्रदर नेम, पहले वाट आएगा, फिर यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम आपके लिए वाट इज हिज ब्रदर नेम, हिज बन गया और ब्रदर आपने लिख दिया ब्रदर, और लास्ट में हो गया नेम। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं हमारे साथ ही, व्हाट इज हिज ब्रदर नेम। नेक्स्ट है लास्ट आपका माय बेस्ट फ्रेंड इज पूजा, हु इज, यहाँ पे आप बनाइए, देखिए हु लिखा भी है, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन भी बन गया। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कोशिश करिए अपने बच्चों को भी अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।